यूएल यूज कर लिया ना लास्ट लास्ट ईयर से अब तक। हाँ। एक यूएल अपना ही ले लेना था, मिला 10,000। कार देखिए, इसको मैंने बोला था कैलगरी घुमाऊंगा। बेसिकली हम कैलगरी आए हैं, जो कैलगरी वाला शी इज रेडी। चाय बन गई मेरी? नॉट ओनली शी इज रेडी, वी आर ऑल्सो रेडी। लेट्स गो। हाँ जी, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल, होप आप सब बढ़िया हो गए। आज सेकेंड डे इन कैलगरी, तो हम जा रहे हैं घूमने। मैंने सोचा गीत को घुमा लाऊं, बहुत दिनों से कह रही थी मुझे घुमा कर नहीं लेकर आ रहे, कहीं नहीं लेकर जा रहा मुझे। ठीक है, देख ही लेना तुसी कितने घुमाने ले जाते मेनू। नहीं, बहुत बढ़िया 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 जगह मैं घुमा कर लेकर आऊंगा। इतना चिर कैलगरी रहे हो तो गए नहीं किते। ये बात तो है, जब तक आप जिस जगह में रहते हैं आप एक्सप्लोर कम करते हैं, आप स्पेशल उस जगह पर जाते हैं तो आप पॉइंट आउट करके जाते हैं अभी मैंने ये करना है, वो करना है। तो सो बने रहिए, आपको कैलगरी घुमाएंगे। कैलगरी घुमाएंगे पंजाबी में कहते हैं कलोला। नगर कीर्तन, मगर हम जा नहीं, लेकिन हम जा नहीं सकते वहाँ पर क्योंकि हम थोड़े हैं बिजी। हाँ, बिजी देखियो क्यों बिजी है, दिहाड़ी दार बनना पर थोड़ा रोक के जरा। अच्छा, ताई है सूट साट पाके चले सारे हैं गड्डिया च। यस, नगर कितने स्टार्ट हो गया होना। चलो मिलते हैं भाई साहब। आज कैलगरी का नगर कीर्तन है और पूरा रश है, पूरा रश। ट्रेन से चले सारे, ट्रेन में जा रहे हैं सभी, सभी ट्रेन में। नगर कीर्तन दे लो है क्योंकि ट्रेन इतने ना बजिया वेदी ना। हां, बस नाल जल्दी पहुंच जाती मिलला तो इन्हें। मैं इसको बोला था मैंने, एक तो पंजाबी निकलाती है बीच में, पंजाबी बंदे हैं ना, पंजाबी आ जाती है फिर भी, लेकिन मैं ट्राई करता हूं फिर भी हिंदी बोलने की। इसको मैंने बोला था कैलगरी घुमाऊंगा। बेसिकली हम कैलगरी आए हैं, जो कैलगरी वाला घर था उसको सेल करना था, उसके लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने थे। और वो तो हो गया, अगला दसो। अगला ये है जो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, जो मैं स्टोरेज से सामान लेकर आया था, वो सारा सामान अभी लेकर जाना है। तो ये मेरा है दिहाड़ी बंदा, दिहाड़ी भी लगनी है। दिहाड़ी तो मुझे मालूम है इसने लेनी लेनी है, वो तो वैसे भी नहीं भी होता तभी लेनी थी इसने। तो वो आज हम जा रहे हैं यू हॉल लेने, यू हॉल लेकर फिर सारा सामान उससे स्टफ जो है वो उसमें लोड करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो शाम को घूम कर आएंगे। चलो लेकर आते हैं यू हॉल। नहीं तो छड़ के चल जाओ, तो 8 बजे मॉल बंद होने, आप 4 बजे चल जाना। ठीक है। जितना के हमने यूएल यूज कर लिया ना लास्ट ईयर से अब तक। हाँ। एक यूएल अपना ही ले लेना था, मिला 10,000 डॉलर लग गया हमारा। जब आए थे 2,000 रुपए लगा मुड़ के, तो जब सामान उठ कर आया 2,000 रुपए लगा मुड़ के, तो रख के सामान 2,000 लगा, हूं 2,000 रुपए लगा। सो ये है यूएल भाई, ये हां, ये फुल टैंक होता है तो फुल टैंक ही छोड़ना है। इसमें ये है कि आप यहाँ से इसको लोड करवा कर नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी छोड़ सकते हैं, ये आपको उतने दिन देते हैं।
तो ये आपका पूरा होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला होगा हमारा। तो अंदर चलते हैं फिर पूछते हैं, लेट्स गो। भाई साहब कार देखिए, कार यूहल लेने आए थे लेकिन कार देखिए, ये है कॉर्वेट। कॉर्वेट ही है, मुझे मालूम भी नहीं इतना गाड़ियों का। यस एक पेज कॉर्वेट। वाह क्या गीत अपराज को प्रैंक करती हुई कह रही है तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने आए कॉर्वेट। उसको गाड़ियाँ बहुत पसंद है वो पूछ रहा है कितने की है। 100 मिलियन की। भाई साहब ये होता है यू हॉल। सो एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर डू सम प्री ट्रिप, लेट्स डू इट। It's good, pretty big. अभी किसका आ गया? गीत क्या कर रही है? हेलो हेलो ओके हाँ जा चल मैं चेक कर लूँगा ट्रक। ये काम औखा हो जाता। ये प्रॉपर लॉक होना चाहिए और सबसे बड़ी बात इसमें रैंप है, तो सामान ऊपर लेकर जाना इजी हो जाता है। ये है कितना बड़ा। इट्स ऑल गुड, लाइट्स चल रही हैं सारी। चलो बैठते हैं अंदर। भाई साहब इसमें फ्यूल है हाफ टैंक। सो जब इसको ड्रॉप करना है तो हाफ टैंक ही ड्रॉप करना है। चलो अंदर से तो साफ है, बढ़िया है, इस पर किसी और ने बैठना है तो बैठ सकता है। लेट्स गो टू द क्या कहते हैं स्टोरेज। चलो चलते हैं हम वहां पर, फिर मिलते हैं वहीं। एक चीज और नोट कीजिए, ये ट्रक जो यू हॉल कंपनी है नॉर्थ अमेरिकन है। सो इसके जो स्पीडोमीटर है वो माइलेज में है, और जो स्पीड का जो स्पीडोमीटर यहाँ पर पता चलता है कितनी स्पीड पर है वो भी पहले माइलेज में है। सेकेंड वन जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो किलोमीटर में है, क्योंकि कनाडा में किलोमीटर चलते हैं और यूएस में माइल्स। सो ये भी एक बिग डिफरेंस है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितनी स्पीड पर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी अभी मैं ऊपर वाली स्पीड देख रहा था, मैं क्या ये तो स्पीड है 70 किलोमीटर की, ये जा रहा है 50 पर फिर भी तेज़ है काफ़ी। तो अभी मैंने नोट किया अभी नीचे है उसका, और इसकी वजह यही है क्योंकि ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी होने की वजह से आप कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं इसको विद इन नॉर्थ अमेरिका। आप यहाँ से कैलगरी से उठाएं और कैलिफोर्निया जाके ड्रॉप कर दें तो आपको सिर्फ चार्जेस पड़ेंगे और गैस अपने आप अपना डालना है, और इंश्योरेंस कवर्ड होती है, सारा कुछ होता है इसमें। तो दैट्स इट, चलो चलते हैं आज। एक तो आज नगर कीर्तन है तो सारी संगत जा रही है गुरुद्वारे के लिए। नगर कीर्तन पर इतना रश है यहाँ पर,
इस सारे के सारे नगर कीर्तन बजा रहे हैं आज। एक है आज सैटरडे, सभी को छुट्टी है ऑलमोस्ट, तो नहीं भी है तो इन्होंने की है, तो बहुत बढ़िया लगता है। हमारी कम्युनिटी साल में एक बार साथ में जुड़ती है सभी के साथ, तो बहुत सारा लंगर लगेंगे, हम मिस कर गए। हमें मालूम नहीं था जब वहाँ से निकले थे, तो जब पहुँचने वाले थे तो मेरे रियल्टर ने बोला भाई साहब टाइम पर पहुँच जाना, क्योंकि मेरे लिए ही आज जो मेरा लॉयर था वो आया था सैटरडे, नहीं तो आता नहीं है। तो वो कह रहा था सिग्नेचर, मैंने कहा सिग्नेचर करने के लिए मैं स्पेशल तो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों के होने हैं, घर दोनों के नाम पर है, गीत और मेरे, तो दोनों ही चाहिए। सो दैट्स वाई उसको रिक्वेस्ट की, वो कह रहा मैं 5-10 मिनट के लिए आऊँगा, साइन करा कर ले जाऊँगा। सो वही हुआ, तो उसने मुझे बताया कि आज नगर कीर्तन है तो सभी बिजी होंगे, चलो होने भी चाहिए, बिजी होने भी चाहिए, नगर कीर्तन है आज। हमारी सिख कम्युनिटी के जो बाइकर गैंग्स है वो भी आज पूरे आएंगे यहाँ पर, चलो लेट्स गो। हाँ जी भाई लोग, मैं स्टोरेज पे तो पहुँच गया, लेकिन वो कह रहे एसेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने पे किया था लास्ट मंथ तक। सो इस मंथ का हमने उनको बोला था जब पहुँचेंगे तो पे करेंगे, तो मेरा वॉलेट रह गया गीत के पास, गीत गई घर मम्मी और अवराज को लेने, घर नहीं एयरबीएनबी जो बुक करवाया तो वहाँ वो लेने गई है, तो वो कह रहे हैं आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो आप साइड पर पार्क लगा लें, वेट कर लें, जब वो आते हैं पे करेंगे फिर आप अंदर जा सकते हैं। सो यहाँ पर वेट करते हैं, कांड हो गया, बेइज्जती खराब होगी हमारी बेइज्जती। चलो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आ कपड़े क्या देखिए पाव का, चलो काला पकड़ो साज लिया सिरे सिरे बड़ा, देखो कितना सोना लग रहा है। हूँ मैंने कहते कपड़े चेंज करो, इसे वॉशरूम भी नहीं है जिसे कपड़े चेंज करने। इतना अच्छा ड्रेसअप किया था ना, और अब देखियो अब ये क्या हाथ कर दिया मेरी, अब हम करेंगे दिहाड़ी। दिहाड़ी मिल रही है, उम्मीद मिल रही है। चलो ट्रक आ गया है, लोड तैयार है हमारा, लोड ले आए। ये कौन सा लोड आ गया? हैवी लोड। मैं सोची नहीं मैं चक के समान चढ़ा कि ट्रालियां जाओ ये पीछे करो। हाँ ट्रक थोड़ा नहीं मैं कहीं वैसे नहीं सही है इतनी मुड़ के ट्राली की मुड़े लानी है गर्मी बहुत हो गई ना मेले। हाँ मेले तो नहीं, नगर कीर्तन। नगर कीर्तन यार जी दाड़ी दारो। चलो एक घंटा हो गया दाड़ी, देखो देख क्या क्या अमीर दाड़ीदार है, हैं पैर में प्यूमा, हाथ में एप्पल की वॉच, आईफोन,
ये सर सारे कैमरे सारे, ये दिहाड़ीदार है कौन है? दिहाड़ीदार है। चलो सब फन बाबा ही नहीं चुकाना। बाबा कहते पहले लिया क्यों है? लुक Now you can remember all of this. आया कर दिया कैसे किन्नर समान पहनने चाहिए था ये। या 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 या। Wait करो wait करो। तो ये कहाँ रखे? लेके जाने तेल पुराना च रोल कर दे दूसरी दूसरी साइड
Look my hands. Do more. One more? Yeah. पूरा ऊपर कर दे और ऊपर. Yeah, that's it. अच्छा लग रहा हूँ. कभी कपड़े कपड़े तो कभी ज़्यादा ही कपड़े. तीसरे कपड़े हो गए. तीसरी बार चेंज कर लिया. तीसरी बार. बट ये देखो ये पूरा लोड किया है. So hot. किया सी भी नाली है. पूरा लोड किया है. ऑलमोस्ट 2.5 hours में ऑल डन. ये इजी नहीं हुआ यहाँ से लोड करना. सही गल है ना. हाँ. जीबा ही बारह जाती है लोड. जब हम घर से लोड किया था लोड पहले वहाँ से उठाना पैक करना फिर गाड़ी में डालना फिर गाड़ी से यहाँ पर आना स्टोरेज पे स्टोरेज से फिर उतारना फिर ऊपर जाके रखना फिर वापस जाना. सो हार्ड. चलो चले भी नहीं पैक को. चलो घूमते हैं जाकर. अभी गीता है ये एक्सिट में. हाँ इधर को राइट साइड में और रेड स्टोन. कैलगरी का हमारा ये एरिया था जब जहाँ पर रहते थे. यहाँ पर 128 स्ट्रीट रेड स्टोन दिस साइड. क्या हुआ? तीजा घर मेरी क्लाइंट दा सी. कौन सा घर? एक दो तीसरा घर. तीसरा वाला घर पटाटा. लो भी हम कहां आ गए अभी. दिहाड़ी दा दिहाड़ी दा अपनी अपनी जो आज काम करवाया ना इनसे उसका ये मुआवजा वो पे बैक लेना है इन्होंने. वो लेना कहाँ से है? वहाँ से. ए, यहाँ से. What's that? Cross Island Mall. चलो मिलते हैं अंदर जाके. Hey, Raj. Come here. इधर. हमने ना जो अंदर काम कर रहे हैं उससे पूछा अभी डंक्स क्या होता है. कहती वो क्या होता है. हां कहती आई रियली डोंट नो. फिर सर्च किया कहती जस्ट ओनली इट्स ऑन द स्पोर्ट्स चेक. या जो सर्च किया तो मालूम चला वो सिर्फ स्पोर्ट्स चेक में नाइकी के स्टोर में मिलेगा. वो नाइकी का कोई ब्रांड का कोई मॉडल है उसको डंक्स कहते हैं. डंक्स फॉर हिम. बट यू नो व्हाट डंक्स आर. आई डोंट नो. ही नोस. What size are you? 12? 12? It's yeah. 11.5 or 12. Okay. So how do they look like? I'll show you what they look like. Unfortunately, we don't have them in his size right now. Okay. But just for future reference, I can show you. Yeah, sure. He's having the red one. It's the same. He's having the red one. These are dunks. These ones? Where are these? पर साइज़ का मसला हो गया. साइज़ नहीं मिल रहा अब राज का तो अभी किसी और स्टोर में जाते. पसंद आ गया ये सारा. ऑल डन हो गया था लेकिन साइज़ नहीं मिल रहा. हाफ साइज़ नहीं है इनके पास. मुझे भी ऑफर हुआ है कहते तू भी शूज़ ले लो. तू भी डंक ले लो. कह रहे कि डंक डंगर मारना. नहीं भाई साहब आज इन लोगों का दिन है तो इन लोगों को लेकर देंगे आज. अब राज को वाइट पसंद है और गीत कह रही है वो गंदे हो जाएंगे. अच्छा ले आ उन वाले पे बच्चे 12 में कर दिए 13 में. फर्स्ट चेक दैट वन. अगर साइज ठीक हुआ फिर ले ली. ओके मम्मी कह रहे ये डंक्स क्या होते हैं. मैं कहा जैसे आपकी होती है ना रेव सलवार ये फलानी सलवार ऐसे शूज के नाम है डंक्स एंड चंक्स. अब ये 12 नंबर है उसके. इसके 11.5 आता है तो ये भी इसके परफेक्ट. अभी इसको पसंद है तो ये परफेक्ट साइज है. तो
It's good? I'm so fat. It's good? Yeah. Let's go now. No. Okay, okay. I'll be. Are you happy now? Yeah. Are you happy? Yeah. Oh, Raj, what happened? राजगीत को कह रहा है कि नहीं मिल रहा तो चल बाहर, चलो बाहर, अपना ले लिया, अपना काम हो गया अपने बारी, ओके तो बाढ़ में जाए जनता। इट्स ईटिंग टाइम। अब गीत ने क्रॉक्स लेने हैं। गीत कैसे जा रही है? दौड़ी जा रही है। दौड़ जा, दौड़ जा, दौड़ जा। भाई साहब बहुत मुश्किल है लेडीज़ के साथ शॉपिंग करनी। पूरा मॉल घूम लिया, इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, कोई स्टोर कभी उस स्टोर, आई डोंट नो। मेरी तो टांगे पूरी दर्द करने लग पड़ी, लेकिन इन दोनों के कोई पसंद नहीं आ रहा। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो उसका साइज़ नहीं मिल रहा है। अबराज Ask the ladies, happy mother done? Or not? Done, ji done. Bar weather dikhi, kai saab. She works so much. Smoky. Yeah, it's a smoky. No, this is temperature controlled.
look at the basement, guys. Look at the basement. It's a walkout basement. So finally everything done. खाना उठा लिया, रात के बच गए हैं 11 साढ़े दस. सो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.